आप लोग पूरा बाबा से जानकारी ले चुके हैं। चलिए आप लोग को सिनेमेटिक्स में दिखाते हैं गुफा का और मिलते हैं नीचे जाकर। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो। और गाइस, आज हम जा रहे हैं आंजन धाम, जो कि अंजनी माता के नाम से रखा गया है आंजन धाम, और वहां बजरंग बली का जन्म स्थान है। तो हमारे साथ में नितेश भाई है और हम लोग दोनों जा रहे हैं। आप लोग को पूरा मस्त मस्त व्यू दिखाएंगे। उधर पहाड़ देख रहे हैं पूरा एकदम साइड में, साइड में दिख रहा प्राकृतिक का सौंदर्य, जंगल वंगल जो कुछ भी है, नदी वदी दिखाएंगे सिनेमेटिक्स में। चलिए बने रहिए बस। चलिए गाइस, अभी हम पहुंच गए हैं प्रवेश द्वार में। यहाँ पे देखिए, आंजन धाम में स्वागत है आपका गुमला वन प्रमंडल। 1 किलोमीटर और रह गए हैं नीचे अभी गुफा से। बने रही है हमारे साथ में, पहुंचने वाले हैं बहुत ही जल्द। बहुत ज्यादा चढ़ाई नहीं भैया, यहाँ पे देखिए। चलिए गाइस, अभी हम पहुंच गए हैं गुफा के पास में। यहाँ पे देखिए मंदिर है इधर में, और यहाँ पे भैया इनका दुकान है यहाँ पे। कैसा है भैया? सब बढ़िया। कुछ बताइएगा यहाँ के बारे में। मैं नहीं बताऊंगा। पूरा जंगल जंगल है, देख सकते हैं इधर आगे पीछे पूरा। चलिए आप लोगों को सिनेमेटिक्स में दिखाते हैं कुछ बहुत। देखिए भैया, 251 किलो का घंटा, देखते हैं कैसा आवाज करता है। चलिए गाइस, अभी हम पहुंच गए मंदिर में। यहाँ पे देखिए मुख्य द्वार मंदिर का, यहाँ पे पंडित जी बैठे हुए। कहिए सर, ठीक ठाक है ना? ठीक है। भैया हम यहाँ से अभी टीका उका लगा के निकल गए हैं दर्शन करके, अभी नीचे गुफा की ओर जाएंगे। उससे पहले आप लोग इधर जंगल का व्यू देखिए। चलिए सिनेमेटिक्स में दिखाते हैं आप लोग। गाइस, अभी हम हैं जस्ट गुफा के ऊपर में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नीचे गुफा है, इससे जस्ट नीचे ये जो आपको छत दिखाई दे रहा है उसी का नीचे जस्ट गुफा है। तो हम लोग यहाँ पे अभी बैठे हुए आराम कर रहे हैं, और बाकी व्यू देख सकते हैं यहाँ से आप लोग पूरा जंगल का, उधर पूरा एक एरिया का पूरा मस्त दिखाई दे रहा होगा। इधर भी बहुत ज्यादा हरा भरा है, तो आप लोग भी आइए यहाँ पे पूजा करने के लिए। हनुमान जी का जन्म स्थान है, कम से कम टोटो से 10 किलोमीटर होगा। तो आइए यहाँ पे आराम से पूजा वूजा करके जाइए। चलिए आप लोग को गुफा का व्यू करवाते हैं बस। फाइनली गाइस, अभी हम पहुंच गए अपना लोकेशन पे। यहाँ पे देखिए गुफा, हनुमान जी का जन्म स्थान। चलिए यहाँ पे आप लोगों को पंडित जी से मिलवाते हैं, कुछ कुछ बताने का कोशिश करते हैं, पूछते हैं पंडित जी से क्या बता पाते हैं यहाँ पे। झारखंड गुमला जिले के आंजन नाम के पर्वत में हनुमान जी के जन्म स्थान पर अभी हम लोग पहुंचे हुए हैं, और इसी गुफा में हनुमान जी का जन्म हुआ। और इस गुफा को मांजनी गुफा के नाम से जाने जाते हैं। इसी गुफा में मांजनी रहती थी, और गुमला जिले जिला प्रांगण से 21 किलो दूरी पर उत्तर पूरा उत्तर पश्चिम में एक पर्वत बसी हुई है। इसी पर्वत के एक छोटी सी गुफा में माँ अंजनी रहती थी, और इसी गुफा में हनुमान जी को जन्म दिए। इसलिए इस गुफा को, इस क्षेत्र को, इस आंजन को हनुमान जी के जन्म स्थान के नाम से जाने जाते हैं। और इस आंजन क्षेत्र में, आंजन गांव में 365 शिवलिंग था, 365 तालाब, 365 महुआ के पेड़। वर्तमान में अभी इस समय भी कुछ ऐसे शिवलिंग जो हैं अभी भी आपको दिखने को मिलेंगे, महुआ के पेड़ भी दिखने को मिलेंगे, तालाब भी मिलेंगे। और इस गुफा की पश्चिम की ओर एक धरोहर नादिया जो बह रही है, उस नदी में एक कुंदरी ओड़ा नाम के झील जो पाई जाते हैं, उसी झील में माँ अंजनी नहाने के लिए जाती थी। और उस जगह माँ वस्त्र जब बदलती थी, उस गुफा के द्वार पश्चिम की ओर से प्रवेश के द्वार है, और उस गुफे के अंदर काफ़ी जगह है। उस गुफे में 150 से 200 आदमी अंदर आ सकते हैं। और इस अंजनी गुफा हनुमान जी के जन्म स्थान से उत्तर की ओर चांद गुफा है, जहाँ ऋषि मुनियों ने, देवता गणों ने अपना वहाँ मिला करते थे। और उस चांद गुफा से दक्षिण की ओर एक जो है सो माँ अंजनी बैठती थी, उस स्थान भी है। वहाँ एक बड़ी विशाल चट्टान है, उस चट्टान आज भी हिलाने से हिलती है। और चांद गुफा से पूरब की ओर पूर्णापनी जहाँ बोलते हैं, वहाँ जिस इस एरिया के राजा जो रहते थे, वो एरिया उस जगह मतलब के स्नान करते थे। और चांद गुफा के पश्चिम की ओर एक ढीकी खड्ड बोलते हैं, जहाँ वहाँ ऋषि मुनियों ने अपने चावल बनाते थे। और इस आंजन गांव से उत्तर
उत्तर की ओर धरोहर नदी पूर्व पश्चिम बह रही है। उस नदी के उत्तर की ओर रामायण बगीचा करके जगह है, वहाँ रामायण लिखा करते थे, वहाँ शिक्षा दीक्षा भी दिया करते थे। इस तरह की यहाँ आंजन की इतिहास है। मैं यहाँ के पुजारी हूँ, मेरा नाम सीताराम उरा हूँ। जय श्री राम। पे आप लोग पूरा बाबा से जानकारी ले चुके हैं, चलिए आप लोगों को सिनेमेटिक्स में दिखाते हैं गुफा का और मिलते हैं नीचे जाकर। चलिए गाइस सभी हम लोग जा रहे हैं नीचे, तो आप लोग भी यहाँ पे आइए, पूजा उजा करके जाइए आराम से। बहुत ही मस्त मंदिर है, बहुत ज्यादा बेहतर है, बहुत एरिया है, यानी कि यहाँ पे आइएगा तो पूजा उजा का सामान नहीं भी लाइएगा तो नीचे मिल जाएगा, बहुत सारा दुकान है जो कि मिल जाएगा। चलिए आप लोग को इधर का जंगल का व्यू दिखवाते हैं कुछ, बहुत थोड़ा बहुत, बहुत ही घना जंगल है, मस्त दिखाई देता है एकदम। और नीचे जा पूरा बहुत ज्यादा दुकान है, अभी तो बहुत ज्यादा दुकान हो गया है। चलिए मिलते हैं नीचे जाके। हम अभी आ गए गुफा से नीचे, यहाँ पे दुकान देखिए बहुत सारा, इधर से पूरा उधर लाइन 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 पूरा लाइन तक दुकान है। आप लोग यहाँ पे पूरा पूजा उजा कीजिए और सामान वामान लीजिए यहाँ से। A few moments later. तो गाइस अब हम लोग यहाँ से जा रहे घर, यहाँ पे देखिए पुनः पधारे। चलिए बने रहिए हमारे साथ में, हम घर पहुँच करके दिखाते हैं आप लोग। गाइस अभी हम पहुँच गए हैं अपना घर, नीतेश भाई यहाँ जा रहा है, ये मेरा घर है, हम भी चलते हैं। चलो भाई बाय बाय, मिलते हैं फिर। भारा के देखाला के बाद जननी कैसन प्यार होला। गाइस अभी हम घर पहुंच चुके हैं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मीठेपुर में घटना घट गई रे, पटना के परिए वो कट गई रे।